अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो इस तरह की आज प्लानिंग है कहीं जाने की, अभी सिर्फ उठे सुबह सवेरे, जिस तरह कॉलेज के लिए उठते नहीं है उसके अपोजिट हो रहा है सारा सब कुछ। तो अभी पैकिंग वगैरह करनी है, अभी आमिर भी इधर तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम गरीबो, तो किस तरह देख रहे है इस ट्रिप को भाई? इंशाल्लाह बड़ा अच्छा ट्रिप रहेगा। कोशिश यही है कि बस जो चीजें हमारे जहन में आए हम उसी को बस उसी के मुताबिक जाएं, लोगों की दिल आजारी ना हो। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट। तो चलते हैं और एंजॉय करते हैं, इस टाइम को मेमोरेबल बनाते हैं। तो प्लान इस तरह है कि हम जा रहे हैं थिरावेली। दिसंबर है, ना स्नोफॉल है ना ग्रीनरी है, लेकिन इस तरह है कि हमारी ग्रेजुएशन तक एक दो महीने रह गए, तो इसके बाद मौका या मिले या ना मिले तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं एक ट्रिप पर। सारे क्लास जा रही है हमारी, तो चलते हैं और अपना ये ट्रिप आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। लेट्स गो। मदर सब क्या कह रहे हो? सुबह सुबह कहवा पी रहे और इसमें कुछ चक्कर क्या मिला है अलाउद्दीन साहब ने? अलाउद्दीन साहब ने जड़ी बूटियां डाली हुई है, पता नहीं किधर से लेकर आए गए थे, पूरा पाका हिसाब हो जाए। शुभकामनाएं। इंशाल्लाह अभी एक तारीखी मकाम पे जा रहे थे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये हमारा होस्ट भी है और गाइड भी है। बिल्कुल इंशाल्लाह हो सकता है, स्पॉन्सर भी है, डोनर है, डोनर भी है, डोनर। हम पीको से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह और ये बाड़ा बाजार, इस पे इंशाल्लाह हम एंट्री करेंगे और इसके साइड से जो है ना फिर डायरेक्ट फिराक। फिर इंशाल्लाह हमारे इरादे है कि और इसके बाद जो है ना डायरेक्ट बाग जाएंगे। चलो सब कुछ खैरियत से हो जाए। इस बंदे के ने जो बातें की है ना, तो अल्लाह करे वो एक भी ना हो। बस कोशिश करेंगे कि ये ट्रिप अच्छा हो जाए, मेमोरेबल कर ले इंशाल्लाह, मेमोरेबल होगा इंशाल्लाह। और बस अगर कोई हादसा वादसा हुआ तो फिर वालों को करेंगे। यूसुफ यार, सुबह सुबह ये कौन लगाता है एयरपोर्ट? इंतजार सबसे मुश्किल चीज है, सही है। ये बाकी लोग नहीं आए ना, पंक्चुअल नहीं है। हाँ, मैं आपको भी फर्स्ट टाइम जो है वो पंक्चुअल देख रहा हूँ, जॉब के अलावा हो गए। ये जो है अभी दो और लोग आए लेकिन ये गाड़ी लेकर आए, पहले तो ये बात डिस्कस करते है इसके। भाई शीशा नीचे कर। वालेकुम सलाम, ये क्या माजरा है भाई? गाड़ी में जा रहे। क्यों गाड़ी में जा रहे यार? वो गाड़ी खड़ी है हमारी, शाह खालिद को भी साथ लेकर आए हो? नहीं 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 नहीं, इसको इसको इधर ही पार्क कर दे और गाड़ी में जाएंगे, मजा खराब ना करे ट्रिप का। एक तो लेट आए हो। ओके गाइस, आई एम विद माय बडी, वी आर एट द थिरावेली। यहां वी विल एंजॉय द व्हाट द ट्रिप द ट्रिप। आर यू रेडी? यस। ओ चलते हैं, चलते हैं। और अब हम जो है चलने लगे और ये है हमारे हाईएस्ट गाड़ी, सब इसी में जाएंगे इंशाल्लाह, खैरियत से पहुंच जाए। हाँ सब पढ़ ले, खैरियत से जाए। हाँ शाबाश, क्या हाल है? सब सफर की दुआ पढ़ लो। इधर ले आओ, इधर ये स्टिंग है, ये सामान है। और ये क्या है? सबके लिए मिक्स मिलावट जो इधर मिलता है वही ले। ये कैसा है? हाउ इज द टी? द टी इज कुली, बिकॉज वी आर इन कुली होटल। कुली होटल, कुली होटल आज इस होटल में।
گفر و از من مجو غیر دعا و سنا سر اگر سر کشید در قدر دون جایی رسید در دوست اگر چشم तो अभी बीच में जो है थोड़ी रेस्ट के लिए रुके हैं सब। सामने ये फोर्ट है जमान फोर्ट के नाम से, तो इधर थोड़ी चले रुके, शायद उधर चले जाए, अगर ना गए तो फिर जाएंगे सीधा तिरा की तरफ। ठंडा चश्मा है, अरे ठंडा है ना, चेक कर जरा, बहुत ठंडा है ना ये चश्मा है, इसे ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है, देख सकते। अजी खैबर एजेंसी है, इसमें ये जो बाजार है इसका नाम बाग है, बाग 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 बाजार, बाग बाजार लोकल खलक होता था ये ना। ओके दा, माशाल्लाह ये क्लास एट का स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग सपोर्टिव है, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी है, मतलब जितना भी खुराक है वो प्योर नेचुरल है, हर एक चीज़ का एक यूनिक टेस्ट है, खा वो लूबिया हो या दाल हो, अक्सर हम हॉस्टल में ना उसे पक चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वो काके ना छस आ गया, रेस्टोरेंट या स्पेशली कीमा। जी जी, पिशावर में जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, यकीन मानो मैं 8 साल से पिशावर में हूँ, यहाँ की जो दाल या लूबिया में जो टेस्ट था ना, वो वहाँ के अच्छे खानों में नहीं मिला हमें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे मेहमान नवाज हो गए। फाइनली हम तेरा मैदान पहुंच गए। ये जो साथ में गेस्ट हाउस है, ये हमारे क्लास के मोहम्मद सहेल, तो हमारे क्लासमेट के जानने वाले थे, तो यहाँ हम स्टे करेंगे। हाँ आमिर, पहुँच गए आखिर। हाँ हम अभी पहुँच गए, क्या नाम है? सहेल, गेस्ट हाउस। ठंड कैसी है? ठंड यार काफी ज्यादा ठंड, सबर करना, अभी तो टाइम है, अभी तो लाइट है, रात को और भी लगे, इंशाल्लाह यहाँ पे तो गर्म। अब हम पहुँचे तो पहले थे, ये बुखारे का सिस्टम किया है यहाँ पर इन लोगों ने, माशाल्लाह थैंक यू। बाकी ये सब बैठे है, यहाँ पर कुकिंग स्टार्ट है हमारी। सुहेल इधर देखो जरा, दानिश पका लोगे या किसी और को? अच्छा पक जाएगा कि नहीं? खराब ना करना बस। लेकिन शखालिद ने कहा था कि मैं, शखालिद ने कहा था कि मैं पकाऊंगा। अच्छा हाँ, ये सब क्या हाल है? खैर खैरियत है, बस यार दुमरे का गोश्त पक रहा है, सही है, शेर अली साहब की सुपरविजन में। अच्छा जी, हम आए बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, शिद्दत से भूख लगी है ना? यार ठंड में बहुत लग जाती है भूख। खैर है यार, तेरा तीरा वैली की हर एक चीज में नशा है, रोटी पानी में भी नशा है, डायरेक्ट भूख लग गया, कॉपीराइट क्लेम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो दूसरी सुबह का आगाज हो चुका है, कल रात को हमने यहाँ सब गेस्ट हाउस लिख के इधर हमने स्टे किया, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बस उन्होंने बुखारे जो इसमें आग लगाते हैं यार, बेलर बोलते हैं पश्तों में पता नहीं, तो वो लगाया, और तो बहुत अच्छी रात गुजरी। उस वक्त हम खैबर एजेंसी
باغ بازار تیرہ میں موجود ہے. اب آج جو ہے ہمارا ٹرپ ہے یہاں سے اور اگزئی ایجنسی کی طرف جانے کا, وہاں سے پھر جائیں گے ایک جگہ ہے سمانے, اور راستے میں بھی ایک دو جگہ وہ دیکھیں گے, پھر جائیں گے ایک دوست کے گھر ہنگو کی سائڈ, تو وہاں ٹھہریں گے, ایک اسٹے وہاں ہے ہمارا, پھر وہاں سے جائیں گے پھر واپس پیشہ جا کر کپڑے مپڑے چینج کرتے ہیں, ناشتہ وغیرہ تو کر لیا ہم نے اور پھر چلتے. ہمیں صحیح اوہو یہ چیز بتا, سچ میں بتانا ابھی تو بتا دو کہ کتنے کپ چائے لیا تھا, بتا دو خیر اب تو بتا دو تین کپ. چلو تین یاد ہے باقی کپ پتا نہیں. چلو اس طرح ہے کہ اب وہ بس تیاری ہے جانے کی, جانے لگے ہیں شیر. جا کدھر رہے ہیں ہم؟ اب ہم جو بارڈر ہے بارڈر, مطلب پھر اور اگزو کی طرف جائیں گے, وہاں سے پھر کوئی ہنگو جائیں گے نا حمید لوگ. ہاں ان شاء اللہ رات حمید لوگوں کے ہاں ان شاء اللہ گزاریں گے. دوسرا صبح ہمارا ادھر ٹیمپریچر کتنا مائنس 5 ڈگری سرد نہیں ہے, بس بس سرد نہیں ہو رہی صرف چادر. علاءالدین پتا چلا کہ وہ یوسف کا جو حصہ تھا اس کپ کا وہ کپ کدھر چلا گیا, اس کا اس نے چائے بھی نہیں پینا, ختم ہو گیا, اس کا پتہ لگ گیا ہے, آس پاس دیکھ لو پتہ چل جائے گا. بس ابھی جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اورگزو ایجنسی کی طرف, اور خیبر ایجنسی کے درمیان بارڈر ہے. ہاں تو شفیق یہ شفیق اصل میں سہیل جو ہے ہمارا ہوسٹ بن گیا, لیکن اصل گائیڈ جو ہے ہمارا جو ہے شفیق بھائی, جنہوں نے ہر جگہ ان کو پتہ ہے اور بتایا کہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے. تو تھینک یو شفیق فار یور سروسز, اور سہیل اس بندے کا بہت شکریہ اس میں ہمیں اسٹے کے لیے جو ہے یہ بک کروایا آپ نے, وہ بھی آپ کی جاننے والی وہ بھی فری میں. بیسٹ ہے کل ہم نے کہا تھا, خیر بہت ڈفرینٹ ہے, جتنا کہو مزہ آتا ہے نا, دل نہیں بھرتا اس سے. کیسا ہے زبردست, جتنے بھی سویٹس ہیں نا اس میں ایک کما لے کے مطلب آپ جتنا بھی کھا لو کوئی فرق نہیں پڑتا. پشاور میں تو ہم تھوڑا سا کھا لیتے پھر مزید نہیں کھا سکتے, لیکن تیرا کے سب چیز پیور ہے پیور. آئیے سر کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہے اخروٹ کی اسپیشل مٹھائی اسپیشلی تیرہ کی, بہت زبردست ٹیسٹ ہے اس کا, کولیسٹرول والے جن کے کولیسٹرول ہے یہ ان کے لیے زبردست ہے, اور ہم سب نے لیے ہیں, اور ہم سب نے لیے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تیرہ میری پیج ہے فیس بک پر, اس پر یہ آپ پشاور میں بھی کہہ رہے ہیں کہ منگوا سکتے ہیں, تو ایک دفعہ یہ کھائے ضرور زبردست. زبردست, اور یہ ہے تیرا کی سب سے مشہور چرسی مٹھائی, باقی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. ابھی اس طرح کے اور رگزو ایجنسی میں داخل ہو گئے, اور ابھی وہاں سے بھی ایک جگہ ہے اس کو سمبوکا ٹاپ کہتے ہیں, تو وہاں پہنچ گئے, یہاں پر جا رہے ہیں ادھر, تھوڑا سا ٹریک ہے یہاں پر, اتنا نہیں ہے, پیدل راستہ ہے 5-10 منٹ کا, لیکن وہاں پر چلتے. تو تھوڑی سی ٹریک تھی لیکن ہم آدھی نہیں ہے, بہت وقت سے پیدل نہیں چلے, اتنی تک گئے اب. اور یہ ہے اور ایگزی ایجنسی, اور اس جگہ کو کہتے ہیں سمبوکا ٹاپ, بس پہلی بار بھی ہم آئے ہیں اس سائڈ سے, پھر ہم جائیں گے سیدھا سمانو ہنگو کی طرف, پھر نکلیں گے اسی سائڈ سے جائیں گے پشاور, ہم ادھر باڑا سے تیرا ویلی اس طرف آئے, پھر اور ایگزی ایجنسی سے یہاں سے جائیں گے ہنگو کی طرف, اور پھر چلے جائیں گے پشاور. لیکن اچھا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر. یہ ہے ہمارا سیکنڈ ہوسٹ سہیل کے بعد, اس کے ساتھ جائیں گے ہنگو حمید. کیسا لگا یار, بہت وقت کے بعد پیدل چلے ہو, پتا چلا نا وہ ہائکنگ, مطلب میں نے تو پہلے کبھی نہیں کی تھی. یہ تو سواد سے کہہ رہا تھا وہ ہائکنگ بہت زیادہ ٹف ہے, میں نے کہا ہم بھی پہاڑوں کے لوگ ہیں, ہمارے لیے مشکل نہیں ہے,
बहुत मुश्किल है, फिर भी हराया मैंने सबको। आई वाज द फर्स्ट वन टू बी ऑन टॉप। शेर क्या हाल है क्या? फाइनली पहुंच गए। जब मैं हाइक की बात करता था तो पता चला ना। हाँ, और मेरी स्टेमिना मानते हो कि नहीं? अभी पता चल गया। हाँ ना, था संभव का टॉप और रगजी वेली में, बाकी लोग उधर नीचे तो बस इधर तक आ गए, अब यहाँ से वापस जाएंगे। अनीस कैसा लगा हाइक ट्रैकिंग? शम्स हालत खराब है आपकी भाई, सबकी हालत जो है ये हालत है, ये आजकल के जवान है। हालत होती है जब आप तीन दिन और तीन रात हो गए हाइक के बाद वो आ जाए फाइनली टॉप। जो है 500 सुमरा किलोमीटर नहीं 2100 मीटर यानी 2 किलोमीटर है तकरीबन। नहीं नहीं, ये पहाड़ 2 किलोमीटर हाइट की बात कर रहे हो? हाइट की बात कर रहा हूँ। ये जवान है हमारे आजकल के, देखो देखो। ये इस तरह करना, ये चैनल अपने बाबा से सब्सक्राइब करवा लो, ये देख लेंगे तो इंशाल्लाह शादी हो जाएगी। अच्छा, फिर मैं उसको एक मैसेज देना चाहता हूँ, सलाम अलैकुम बाबा। बस काफी है, समझ गए हो। चेहरा ताव शपक बोले ही मैनेजर। एजेंसी हंगू साइड पे कह सकते हैं, हंगू साइड पे यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग भी यहाँ से हुई थी एक बार, तो फाइनली यहाँ पहुँच गए। यहाँ पर नमाज़ वगैरह पढ़ना है और थोड़ी सी रेस्ट करेंगे, शायद चाय भी पी लें। और यहाँ पर सहूलतें भी है, लेकिन अगर सीज़न पे आए तो अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी भी होगी, कैंप्स भी लगे, ये लगे एक होटल वगैरह भी है, लेकिन अच्छी जगह है, काफ़ी हाइट पे है। लेकिन मसला ये है कि आप सिर्फ सीज़न पे आए तो बेहतर रहेगा। तो इसके बाद जाएंगे वापस और अंगू शायद स्टे भी ना करे उधर, इरादा तो है खाना वगैरह वहाँ खाएँगे और रात को निकलेंगे और वापस जाएंगे पेशावर। तो हमारे साथ ये जर्नी इंजॉय करें और बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साइड पे, लेकिन
कोई पानी इतनी नहीं है क्योंकि सर्दी के मौसम में पानी होता नहीं है। क्या हो गया भाई, रिलैक्स। पानी नहीं है लेकिन खैर।